हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी पनीर फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 कप बासमती चावल को अच्छी तरह से धोकर 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। अभी इनको हमने पानी से निकाल लिया है। तो चावल को अभी हम बॉईल कर लेते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई में हमने लिया है पानी। पानी में डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल। नमक और तेल डालने के बाद पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। पानी उबल रहा है, अभी हम डाल देंगे चावल। चावल को अच्छी तरह से हम बॉईल कर लेंगे। तो देखिए चावल अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, अभी इसे पानी से निकाल लेते हैं। तो अभी हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम पनीर। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अभी हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो अभी हम पनीर को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। तो देखिए पनीर को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है, अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई को हमने बिठा दिया है, अभी इसमें डाल देंगे 4 चम्मच तेल। तेल हल्का गर्म हो गया है, अभी हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच काजू और 2 बड़े चम्मच किशमिश। काजू और किशमिश को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनको तेल से निकाल लेते हैं। और अभी इसी तेल में हम डाल देंगे मैरिनेट किए हुए पनीर के टुकड़े और इनको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। पनीर के टुकड़े फ्राई हो गए हैं, अभी इनको निकाल लेते हैं कढ़ाई से। और अभी हम डाल देंगे 2 से 3 क्रश्ड हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच घी, 1/2 साबुत मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अभी हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया है।
साथ ही में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी इनको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है, अभी हम डाल देंगे चॉप्ड किए हुए हरी मिर्च 2 से 3। तो अभी हम डाल देंगे 1.5 कप चॉप्ड किए हुए गाजर, बीन और कैप्सिकम। स्वाद अनुसार नमक अभी हम डाल देंगे। तो अभी इन सब्जियों को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सब्जियां हल्का फ्राई हो गए हैं, अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी हम डाल देंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और पनीर। पनीर डालने के बाद अभी हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चावल। थोड़े थोड़े चावल डाल के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। आप लोगों को अगर ऐसी और भी कई तरह की फ्राइड राइस या फिर पुलाव और बिरयानी की रेसिपीज चाहिए तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।